फिटनेस इंस्टीट्यूट में लगाए गए योग शिविर का आज तीसरा दिन है, लेकिन प्रतिभागियों के उत्साह में किसी तरह की भी कमी नहीं है। आखिर योग है ही ऐसी चीज, ऐसी विधा, ऐसी विद्या जिसे सीख कर उसका पालन करके हम सुंदर मन, निरोगी काया पा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आज के इस योग शिविर में क्या रहा खास। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का योग शिविर आज गौ माता पर केंद्रित रहा। इसके साथ ही प्रतिभागियों को उद्बोधन में भोजन करने के सही तरीके की जानकारी देते हुए उन्हें पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया बताई गई। आज का पूरा संस्करण जो है वो गौ माता पे था कि कैसे हम विषमुक्त खेती, गौ माता पर आधारित खेती कैसे कर सकें, कैसे अपने खेतों को, अपने उपज को हम गंभीर रसायनों से, घातक रसायनों से मुक्त कर सकें, और जिन कारणों से आज बीमारियों का बहुत बड़ा कारण जो है वो विषयुक्त अन्न है, उससे लोगों को हम कैसे बचा सकें। तो लोगों को हम गौ आधारित खेती के लिए और पूरी तरह से लोगों को इस बारे में जोड़ना और देसी गाय की उपलब्धि के बारे में, देसी गाय के महत्व के बारे में, इसके बारे में आज काफ़ी जानकारी लोगों को प्रदान की गई। इस योग शिविर में ब्रह्म कुमारीज भी अपना योगदान दे रही हैं। उनके अनुसार मनुष्य में योग के साथ साथ विचारों की क्रांति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना योग की सभी कड़ियां अधूरी हैं। उन्होंने नींद न आने की समस्या का योग निद्रा द्वारा निवारण की बात कही। 5 बजे से जो 6 बजे से प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू हुई और योग निद्रा कराई गई, तो इससे लोगों ने ये अनुभव किया कि योग निद्रा, जिसे हम प्रारंभिक मेडिटेशन कह सकते हैं, इससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है और साथ साथ जिनको नींद नहीं आती है उनको बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि 20 मिनट का मेडिटेशन हमारी 8 घंटे की थकान को दूर कर देता है और 5 मिनट का जो गुस्सा है वो हमारी 2 घंटे कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर देता है। तो सुबह के अभ्यास में विशेष रूप से आसन, प्राणायाम और योग निद्रा का अभ्यास कराया गया, या कहें परमात्मा के साथ में हम चल रहे हैं आगे। और निश्चित रूप से जब ऐसी प्रेरणा सकारात्मक लोगों से प्राप्त होती रहती है तो संसार बदलता है। तो हमारा उद्देश्य यही है इस योग आयोग का कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, और स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बदला नहीं लेना है पर बदल कर दिखलाना है। इस पूरे आयोजन की जानकारी साझा करते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग के मीडिया प्रभारी विनीत शर्मा ने देसी गाय की उपयोगिता पर बल दिया। आहार और विहार, आचार और विचार की प्रवृत्तियों पर काबू पाना ही योग माना गया है। आज 8 दिवसीय योग शिविर का तीसरा दिन चल रहा है, जिसमें संभागीय स्तर पर बिलासपुर और सरगुजा प्रांत के सहप्रतिभागीगण आए हुए हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आज हमारे अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी ने बताया कि किस तरह से जो देसी गाय होती है, देसी गाय जो होती है हमारी, वो किस तरह से कृषि को, उर्वरता को, उत्पादन क्षमता को और किसानों के लिए मददगार होती है। देसी गाय के जो मूत्र होते हैं और जो गोबर होते हैं वो सभी उत्पादन क्षमता को, भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनिक होकर पूरी तरह से विश्व मुक्त खेती को बल देते हैं। एक देसी गाय के जब वो गोबर करती है उसमें 3 करोड़ से 5 करोड़ तक के जीवाणु पाए जाते हैं, जो जीवाणु जो हैं भूमि की क्षमता को, भेदन क्षमता को, उत्पादन क्षमता को, उर्वरता को और उत्पादकता को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। पतंजलि योग समिति की वाइस प्रेसिडेंट गंगा अग्रवाल ने योग के जरिए परिवर्तन की बात कही। योग का लोग अक्सर तात्पर्य ये लेते हैं कि योग से मतलब है कि सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज है और अपना वो ही और कुछ नहीं, लेकिन योग का अर्थ है आप में पूरा परिवर्तन। तो यहाँ पर हम 8 दिनों में जितने भी योग आयोग के द्वारा, माननीय संजय अग्रवाल जी के द्वारा और उनके सदस्यों के द्वारा, जिन ब्लॉक से बच्चों को बुलाया जा रहा है और ज़िले से बुलाया जा रहा है, उन बच्चों को स्वपरिवर्तन का ही प्रयास किया जा रहा है। स्वपरिवर्तन से तात्पर्य है सिर्फ योग करके स्वस्थ होना नहीं है, आपके मन में परिवर्तन, आपके सोच में परिवर्तन, आपके विचारों में परिवर्तन, व्यसन के तरफ जाना है और भी जो खान पान में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन को लेकर ही योग के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो आज परिवर्तन बच्चों में, गांव में हो रहा है, व्यसन की ओर जा रहे हैं। व्यसन का अर्थ सिर्फ दारू और सिगरेट ही नहीं, व्यसन आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो भी एक व्यसन है। अगर वो व्यसन भी सुधारना है तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे योग करें। 7 दिवसीय इस योग शिविर में अब कुछ दिन और शेष रह गए हैं, जिनमें हर दिन प्रतिभागियों को कुछ नई चीजें जानने का मौका मिलेगा। क्लिपर 28 के लिए कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ अमित शर्मा, रायपुर।